हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आ गए हैं फिर से एक न्यू नाश्ते की रेसिपी लेके। एकदम इजी वे में आप इस तरीके से टेस्टी नाश्ता मॉर्निंग में बना सकते हैं या इवनिंग में भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले ही हमने यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्ची ली है और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली है, जिसको हम काट करके क्रश कर लेंगे। क्रश करके डालने से नाश्ते का स्वाद दुगना हो जाता है, तो अच्छी तरीके से इसे क्रश कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 बैंगन को हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इसे गोल गोल पीसेस में काट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से सारे बैंगन को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे अब एक बाउल में हम ले लेंगे 1 कप बेसन। इसी में अब हम डाल देंगे क्रश करके अजवाइन। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच रेड मिर्ची पाउडर और 1/4 यहाँ पे हींग डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। बेसन थोड़ा सा बादी होता है, इसलिए हींग और अजवाइन का प्रयोग ज़रूर करें। अब इसमें डाल देंगे नाश्ते की जान 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। अब जो हमने मिर्ची और लहसुन को क्रश करके रखा था, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरीके से घोल करके इसी में डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बैटर तैयार कर लेंगे। ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला। चलिए आगे दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए, एकदम बढ़िया परफेक्ट बैटर बन के रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये अच्छी तरीके से कोट हो गया है। एकदम ऐसे ही कंसिस्टेंसी हमें रखना है। अब एक एक बैंगन को हम इसमें डिप करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तेल भी हमने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए साइड में। तो इसी तरीके से सारे बैंगन को हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। गाइस, फ्लेम को हमें यहाँ पे लो टू मीडियम में ही रखना है और इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है। इस नाश्ते में हमने किसी सोडा वगैरह का भी यूज़ नहीं किया है, तब भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पकौड़ियाँ एकदम फूली फूली सी बन रही हैं। तो ये लीजिए, हमारी पकौड़ियाँ बनकर एकदम रेडी हो चुकी हैं। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी इसको ट्राई कर सकें अपने घर में इतना टेस्टी नाश्ता बना के। तो आप इस नाश्ते को एनी टाइम मॉर्निंग या इवनिंग में बना सकते हैं। इसे सॉस के साथ, चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। छोटी मोटी भूख को मिटाने के लिए ये एकदम परफेक्ट नाश्ता है गाइज। तो आज की ये रेसिपी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।